हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू एल के अकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ योर सेकेंड पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स फॉर जनवरी 2020। ओके, सो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, हम पूरी ब्रांड न्यू सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड फॉर ऑल योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो जस्ट टेक दिस सीरियसली बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड इन दिस एंटायर सीरीज़। ओके, चलिए। सो कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन दिया था उसको पहले सॉल्व करेंगे। होमवर्क में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, ट्राइब्स और स्टेट्स के पैर आपको सही या गलत है कौन से है वो उसको डिस्क्राइब करना था। तो लिंबू जो ट्राइब है वो सिक्किम से है, सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, सो पहला आपका सही हो गया। इरुला जो है, इरुला के बारे में हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, सो इरुला केरला के कुछ पार्ट्स में और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। तो इरुला जो है वो केरला और तमिलनाडु दोनों के लिए सही है, तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। कोलम महाराष्ट्र, ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि वो महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी। बट ये जो जुआंगा जो ट्राइब है, ओके, सो दैट बिलोंग्स टू ओडिशा एंड नॉट टू नागालैंड। ओके, सो ये जो आपका चौथा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 and 3 ओनली। आई होप काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। जिन्होंने सही आंसर दिया है, वेल डन। जिनका ये आंसर सही नहीं हो पाया है, आपको थोड़ा और लेक्चर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए था, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। इट इज़ कंडक्टेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, हरदीप सिंह पुरी इसके करंट यूनियन मिनिस्टर है एज ऑफ जून 2020। सो स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट। कोलकाता इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए, कोलकाता क्यों वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी है, क्योंकि कोलकाता की सीएम जो है ममता बनर्जी, उन्होंने इस सर्वेक्षण में भाग लेने से मना कर दिया था, जो डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, एंड दैट्स वाई आपका सही ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। ओके, आई होप एवरी वन ऑफ यू, दिस इज क्वाइट एन ईजी लेवल क्वेश्चन, सो एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट दी करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर थ्री था आपके लिए, घटप्रभा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। घटप्रभा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा कृष्णा रिवर। घटप्रभा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा दैट फ्लोज इन कर्नाटका स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर जो आपको दिया गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजियन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल रीजियन टू फॉरेस्ट फायर्स। अब ये जो था आपका ISFR रिपोर्ट, जो कल का पहला जो टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, उसके रिलेटेड था। ओके, सो हियर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजियन। ओके, सो पहला जो आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन एंड सेंट्रल इंडियन रीजियन आर द मोस्ट वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स। ओके, एज पर द 2019 ISFR रिपोर्ट, हिन्स स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। ओके, मिजोरम recorded the lowest number of fire alerts from November 2018 to June 2019. In fact, Mizoram recorded the highest number of fire alerts from November 2018 to June 2019. So, ये भी आपका जो second statement है वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही option होगा वो क्या होगा, आपको correct जो statement थे वो ढूंढने थे, तो यहाँ पे आपका सही option हो जाएगा option number D, neither one nor two statement is correct. Okay, चलिए। क्वेश्चन नंबर फाइव जो आपको दिया गया था, इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट विल बी लोकेटेड इन तमिलनाडु तुथुकोडी। ओके, तुथुकोडी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दिस इज दी तुथुकोडी टाउन। ओके, सो तुथुकोडी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बराबर सूट करती है जो इसरो के
स्मॉल जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होंगे उनके लिए, और उसी के लिए जो पोर्ट यहाँ पे आने वाले सालों में डेवलप किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन के जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। ओके, सो दिस वर योर 5 क्वेश्चंस। आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट दी मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स। जिनके 5 में से 5 सही हुए हैं बेस्ट ऑफ लक, जिनके 5 में से 4 या 3 सही हुए हैं कीप इट अप, यू विल अचीव 5 आउट ऑफ 5 इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, चलिए आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको आप लिंक कर सकते हो आपकी इकोनॉमी के सब्जेक्ट के साथ, और वो है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि अप्रैल मई महीनों में, ओके, अप्रैल मई 2020 में आरबीआई कंडक्ट करेगा इंडिया में ऑपरेशन ट्विस्ट। अब ऑपरेशन ट्विस्ट देखिए कहाँ से ये आइडिया मिला है, तो ये आइडिया हमें मिला है यूएसए से। तो ये पहला आपका सवाल हो गया। पहला सवाल तो ये हो गया कि इसको कंडक्ट कौन करेगा, इसको कंडक्ट करेगी आरबीआई। ओके, एंड दिस इज अ वन काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये बेस कौन से कंट्री के आइडिया पे बेस रहेगा, यूएस में। यूएस में जब 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था, तो वहाँ की फेडरल बैंक ऑफ यूएसए ने ऑपरेशन ट्विस्ट को परफॉर्म किया था, और उसकी वजह से जो लिक्विडिटी थी मार्केट में वो बड़ी थी उस टाइम पे। इन 2011-12 लिक्विडिटी बढ़ती हुई देखने को अपने को मिली थी। तो आरबीआई भी ये सोच रहा है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से और जीएसटी की वजह से जो लोगों में डर फैला हुआ है, लोग अपना पैसा मार्केट में डालने से डर रहे हैं, उसको मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अगर इफ आरबीआई विल परफॉर्म दी ऑपरेशन ट्विस्ट, तो हमें भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दिस इज एन अजम्पशन, ओके, कोई गारंटी नहीं है। ओके, और ऑपरेशन ट्विस्ट का जो मेन जो फायदा होगा, जो मेन जो बेनिफिट होगा, वो होगा टू ब्रिंग डाउन दी इंटरेस्ट रेट्स। ओके, आरबीआई विल कंडक्ट साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर 10,000 करोड़ ईच। तो अप्रैल 2020 में आरबीआई के कुछ सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के पास रखी हुई थी वो मैच्योर हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा। ओके, आपकी मान लीजिए कोई एलआईसी की पॉलिसी या कोई भी बॉन्ड अगर है तो वो मैच्योर हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर ईयर में, तो क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा रिटर्न करेगी। बट इन करंट सिचुएशन गवर्नमेंट अगर आरबीआई को पैसा दे देती है जो मैच्योरिटी अमाउंट है, ओके, फॉर 10,000 करोड़ ईच, और ऐसे आरबीआई ने 4 टोटल बॉन्ड गवर्नमेंट के पास से खरीदे हुए थे। ओके, सो अगर वो चारों बॉन्ड एक साथ अगर मैच्योर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपीज आरबीआई को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैच्योरिटी डेट खत्म हो गई है, गवर्नमेंट वो पैसा अपने पास नहीं रख सकती। ओके, सो इन दिस सिनारियो, जबकि इकोनॉमी की हालत काफ़ी खस्ता चल रही है, ओके, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो अगर गवर्नमेंट ये पैसा अगर आरबीआई को दे देगी, तो गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम्स के लिए पैसा उसके पास नहीं बचेगा। ओके, सो इसीलिए आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही एक साइड से गवर्नमेंट वो पैसा देगी, ओके, आरबीआई को वो पैसा मिलेगा, साइमल्टेनियसली आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में वो पैसा वापस इन्वेस्ट कर देगी। मतलब वापस आने वाले 9-10 सालों के लिए गवर्नमेंट के बॉन्ड आरबीआई गवर्नमेंट के पास से खरीद लेगी। इससे क्या होगा कि एक तरफ से जो मैच्योरिटी का पैसा आरबीआई को मिला, वही पैसा आरबीआई वापस गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने के लिए दे देगी। इससे क्या होगा कि सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 10 सालों के लिए बना रहेगा। 2030 तक का ये प्लान है कि 2030 तक का पैसा गवर्नमेंट के पास बना रहेगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में अपना पैसा डालेगी, देश में एक प्रकार का माहौल बनेगा कि भाई आरबीआई अगर पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में, पर्टिकुलर प्लान में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो कॉमन पब्लिक
भी उस प्लान में, उस सिक्योरिटी में, उस सर्टिफिकेट में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करेगा। इससे गवर्नमेंट के पास और ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी और वो सारा पैसा गवर्नमेंट अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में इन्वेस्ट करेगी। ओके, आई होप मैंने बहुत ही लेमेन लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। ओके, अब क्यों कॉमन पब्लिक भी सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व करेगी? तो जो करंट मार्केट सिचुएशन है, तो अगर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल का मतलब है कि आज एकदम ऊपर चला गया, कल धड़ाम से नीचे आ गया, तो इस सिचुएशन में जो सेफ ट्रेडर है, ओके, जो सेफ इन्वेस्टर है और जो छोटा इन्वेस्टर है, वो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो कोई ऐसी स्कीम ढूंढेगा जहाँ पे भले ही रिटर्न कम हो बट सिक्योरिटी उसके पैसों की हो। ऐसा नहीं कि आज 1 लाख रुपए डाले और कल मैं 10 रुपए लेके मार्केट से बाहर निकल रहा हूँ। ऐसा अगर होगा तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी फॉर दैट स्मॉल ट्रेडर एंड फॉर इकोनॉमी। तो इस सिचुएशन में वो जो छोटे ट्रेडर है, जो मिडिल क्लास के जो ट्रेडर है, वो अपना पैसा किसी सेफ स्कीम में डालेंगे। और जब आरबीआई जैसा ट्रस्टेड ब्रांड अगर गवर्नमेंट के किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मार्केट में ये हवा चलेगी कि भाई आरबीआई ने जिस स्कीम में पैसा डाला है वो स्कीम अच्छी ही होगी, वहां पे कभी भी अपना पैसा नहीं डूबेगा। ओके, आपके देखिए फैमिली में भी जैसे कोई एक सीनियर बंदा अगर होगा, वो अगर आपको बोलता है कि भाई यहाँ पे पैसा डाल दो, तो आप ट्रस्ट के साथ आंख बंद करके उस स्कीम में पैसा डाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस पर भरोसा है कि उसने पूरी छानबीन करके ही उस स्कीम में पैसा डाला होगा या आपको वो पाथ बताया होगा। तो इसी तरीके से आरबीआई इज दी अवर सेंट्रल बैंक। ओके, अवर सुप्रीम बैंक है। अगर सुप्रीम बैंक किसी स्कीम में पैसा डाल रहा है तो मेरा पैसा वहां से डूबने वाला नहीं है। और जब मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट काफी जल्दी से ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहां पे मेरे लिए सिक्योरिटी ही नहीं है। तो मैं अपना पैसा कहाँ पे डालूंगा? जहाँ पे आरबीआई ने पैसा डाला है। तो मैं अभी अपना पैसा किसको दे रहा हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। वो सारा पैसा गवर्नमेंट वापस मार्केट में लिक्विडिटी के तौर पर मूव करेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की जो खरीद शक्ति है, बाइंग पावर है, वो बढ़ेगा। और बाइंग पावर जो बढ़ेगा तो पूरा बैंकिंग सिस्टम आपका धीरे धीरे क्या होगा, सुधर जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगूंगा। ओके, जब मेरे पास जॉब ही नहीं होगी तो मैं लोन नहीं लूंगा। जॉब कब नहीं होगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होंगे या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा। तो ये पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस वो पैसा मेरे पास आएगा। फायदा आरबीआई को भी होगा, फायदा गवर्नमेंट को भी होगा और फायदा कॉमन पब्लिक को भी होगा। तो जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि कॉमन पब्लिक अपना पैसा मार्केट में डाले लोन के तौर पर। क्यों डाले? ताकि रेपो रेट अगर कम होंगे, इंटरेस्ट रेट अगर लोन पे कम होंगे, तो मैं लोन लेने के लिए हिम्मत करूंगा या ललचाऊंगा। ओके, तो गवर्नमेंट हमें ललचा रही है कि भाई आप इंटरेस्ट रेट हमने इतने कम कर दिए, आप आइए और बैंक से लोन लीजिए, ताकि मार्केट में क्या बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इससे रेपो रेट कम, परमानेंटली कम करने में मदद मिलेगी। आपने देखा होगा कि 2019 का ईयर ऐसा था जहां आरबीआई ने सबसे ज्यादा बार रेपो रेट को कम किया। ओके, सो बट उससे भी कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला। तो इससे आरबीआई को ये एजम्पशन है, आरबीआई का ये एजम्पशन है कि ऑपरेशन ट्विस्ट परफॉर्म करने से जो लिक्विडिटी बढ़ने से रेपो रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, तो आरबीआई क्या करेगी? इट विल परचेज द लॉन्गर टर्म मेच्योरिटीज, ओके, एंड साइमल्टेनियसली सेल द शॉर्टर ड्यूरेशन वंस। द एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कैन बिड और सबमिट ऑफर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, दैट इज ई कुबेर। तो अगर आपको भी उस बॉन्ड में पैसा डालना है तो आप ई कुबेर पे अपना जो बिड है वो वहां पे लगा सकते हो। ओके, चलिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बंदे हैं, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको ये पता होगा यील्ड और प्राइस। ओके, अब जैसे यील्ड ऊपर जाएगी वैसे ही आपका जो प्राइस है वो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको यील्ड का मतलब समझाऊं तो यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। ओके,
अब रिटर्न क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपने कोई सेविंग्स अकाउंट में आपका बैंक में पैसा डाला है, आपको बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देती है, 4% या 4.5% या 5%। सो अगर आप एक साल के लिए 100 रुपये अगर बैंक में जमा करते हो, तो एक साल के बाद बैंक आपको कितने रुपए लौटाएगा? 104 रुपये या 105 रुपये लौटाएगा। तो ये जो 5 रुपये आपको ज़्यादा मिले, आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे, एक साल के बाद आफ्टर दी, आपको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट हमेशा पर एनम गिना जाता है, पर एनम गिना जाएगा। और मान लीजिए कि पर एनम इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% किसी भी एक्स वाई जेड बैंक का, तो एक साल के बाद आपको कितना रुपए बैंक की तरफ से वापस मिलेगा, 105 रुपये आपको वापस मिलेंगे। तो ये 5 रुपए जो आपको ज्यादा मिले, वो क्या हो गया, मेरा यील्ड हो गया। और यील्ड को कॉमन लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न बोलूंगा। तो जनरली मैं कौन सी स्कीम में पैसा डालूंगा, जहां पे रिटर्न ज्यादा होगा। अब रिटर्न ज्यादा कहाँ होगा, जहां पे रिस्क ज्यादा होगा। तो एज ए ट्रेडर आपको ये सोचना है कि आपको हाई रिटर्न हाई रिस्क चाहिए या लो रिस्क और लो रिटर्न चाहिए। तो अब देखिए, जैसे ही एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, दो बंदे हैं, चलिए मान लीजिए दो बंदे हैं, एक्स और वाई। अब गुजरात में एक प्लॉट इन दोनों को खरीदना है। और अभी मान लीजिए साल चल रहा है, ईयर चल रहा है 2015। अब 2015 में इन दोनों ने ये जमीन देखी है कि भाई हमें ये प्लॉट खरीदना है। दो प्लॉट है आजू बाजू में, जो उनको खरीदने दे। अब 2015 में एक्स के पास पैसे थे, तो 2015 में एक्स ने उसको ₹3,000 में खरीद लिया। उस प्लॉट को अब जैसे जैसे साल बढ़ते गए तो प्लॉट की कीमत भी बढ़ती गई। अब 2018 आते आते 2018 आते आते वाई के पास भी पैसे आ गए। तो वाई जब वापस इस प्लॉट को देखने गया, तो वो प्लॉट अवेलेबल था और वाई ने ये प्लॉट खरीदा ₹7,000 में। ₹7,000 में ये प्लॉट उसने खरीद लिया। अब 2020 आते आते दोनों को अपने एजुकेशन के लिए ये प्लॉट बेचने की जरूरत पड़ी। अब 2020 में जब ये दोनों अपना प्लॉट बेचने के लिए गए, तो दोनों सेम साइज के प्लॉट थे, सेम जगह पे प्लॉट थे, सेम लोकालिटी में प्लॉट थे, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो भी सेम होगी। तो मार्केट वैल्यू जब वो पता करने गए, तो उनको पता चला कि भाई 2020 में ये जो प्लॉट है वो ₹10,000 में बिक रहा है। और लेने वाला कितने रुपए आपको दे रहा है, बायर जो है वो ₹10,000 लेने के लिए रेडी है। अब देखिए, 2015 में जिसने इन्वेस्ट किया था, किसने इन्वेस्ट किया था, एक्स ने, उसको कितना मुनाफा होगा 5 सालों में, ₹7,000 का। 2018 में वाई ने ये प्लॉट लिया था ₹7,000 में, तो वाई को कितना मुनाफा होगा, देखिए एक्स को मुनाफा हो गया 7K। और वाई को मुनाफा हो गया 3K। किसको ज्यादा मुनाफा हुआ, एक्स को ज्यादा मुनाफा हुआ। क्यों एक्स को ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि उसने अर्लियर ये फ्लैट खरीद लिया था, देखिए 2015 में, इससे 3 साल पहले। तो आप मार्केट में जितना जल्दी एंटर करोगे, जो प्राइस है वो क्या होगी, कम होगी। जब प्राइस कम होगी तो रिटर्न कितना मिला आपको,
7,000 मिला ना, 3,000 रोके थे उसने, 3,000 इन्वेस्ट किए थे और 7,000 सामने मिले। आप मार्केट में जितना लेट इन्वेस्ट करोगे, जैसे जैसे एक प्लॉट के लिए बिड बढ़ती जाएगी तो उसकी प्राइस कैसी होती जाएगी, अप होती जाएगी। और उसकी वजह से मुझे वाई को ये प्लॉट कितने में पड़ा, 7,000 में, और जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो जो फाइनल रिटर्न वाई को मिलेगा वो कितना होगा, 3K रुपीज़। ओके, तो उसको एक्स्ट्रा जो रिटर्न था, जो यील्ड था, वो कैसा मिला, कम मिला। तो यही सेम चीज़ होती है यहाँ पे। ओके, जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी वैसे यील्ड आपका बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी यील्ड आपका कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, यील्ड इज द परसेंटेज इनकम दैट इन्वेस्टर्स रिसीव फ्रॉम अ बॉन्ड। जो ये आपको 5% जो रिटर्न मिल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड। बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर प्री सेट, सो द लेस यू पे फॉर द बॉन्ड द हायर परसेंटेज इनकम दोज पेमेंट्स विल रिप्रेजेंट। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जो कि मैंने आपको समझाया इन सिंपल टर्म्स। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बॉन्ड प्राइस अप जाती है तो आपकी यील्ड कैसी जाएगी, लो जाएगी। अगर यील्ड अप जाती है तो आपकी बॉन्ड प्राइसेस कैसी चली जाएगी, हाई चली जाएगी। ओके, चलिए। सो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट इज व्हेन द सेंट्रल बैंक यूजेस द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू बाय लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेब्ट पेपर्स, लीडिंग टू इजिंग ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म पेपर्स। और ये किया गया था यूएसए में। ओके, और यूएसए में इसका फायदा मिला था। ऑपरेशन ट्विस्ट फर्स्ट अपियर्ड इन 1961 एज अ वे टू स्ट्रेंथन द यूएस डॉलर एंड स्टिम्यूलेट कैश फ्लो इनटू इकोनॉमी। इन जून 2012 ऑपरेशन ट्विस्ट वाज सो इफेक्टिव दैट द यील्ड ऑन 10-ईयर यूएस ट्रेजरी ड्रॉप्ड टू अ 200-ईयर लो। देखिए, इतना इफेक्टिव हो गया था कि 200 साल से भी ज़्यादा जो रिटर्न था वो वहां पे उन लोगों को मिला। क्यों मिला? क्योंकि यील्ड उतने क्या हो गए थे, लो हो गए। तो इतने कम, इतने ज्यादा प्राइजेस उसके बॉन्ड के चले गए थे, और जितने ज्यादा प्राइजेस बॉन्ड के गए, गवर्नमेंट को उतना ज्यादा पैसा सामने मिलेगा। ओके, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव पॉलिसी टूल विच इज एम्प्लॉयड बाई द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओके, तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि टू रेगुलेट और कंट्रोल द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, तो गवर्नमेंट वो भी नहीं चाहती। इसलिए मनी फ्लो, जो वॉल्यूम ऑफ मनी है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाई आरबीआई बाई दी वे ऑफ सेल ऑफ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशंस। दीज ऑपरेशन आर ऑफन कंडक्टेड ऑन अ डे टू डे बेसिस। जैसे हम शेयर मार्केट में जैसे ट्रेड करते हैं डेली बेसिस में, इंट्रा डे, उस हिसाब से ओपन मार्केट और ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं। आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विथ पब्लिक। ओके, आरबीआई कभी शेयर मार्केट में डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करता, वो कमर्शियल बैंक के थ्रू पैसा गवर्नमेंट स्कीम में लगाएगा। ओके, चलिए। तो ये था आपका ऑपरेशन ट्विस्ट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? दी साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल विल ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स विच कैन लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्पेंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट आपको ललचा रही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगे तो आप गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के तौर पर प्रोवाइड करवाओगे। और इसी तरह से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब है मनी फ्लो। ओके, आरबीआई स्कीम दैट बैंक्स शुड ट्रांसमिट लोअर रेट्स टू बोरोअर। देखिए, इसका फायदा बैंक्स को तो होगा ही होगा, बट जब तक बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट को बोरोअर्स तक, जब तक आप और मुझ तक नहीं पहुंचाएगी, तब तक इकोनॉमी में इसका वायदा होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज वी आर द एंड यूजर्स। जब तक मैं बाइक के लिए या गाड़ी के लिए या घर के लिए या खेत के लिए या बिजनेस के लोन नहीं लूंगा, तब तक इकोनॉमी में उसका फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक्शन से आरबीआई ये अज्यूम कर रहा है कि भाई ये एनकरेज करेगा मार्केट को पैसा फ्लो करने में। ओके, और इससे जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में, इससे आने वाले 2-3 सालों में अपने को बहुत फायदा होता हुआ दिखेगा। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ऑपरेशन ट्विस्ट। एक बार वापस उसको ध्यान से पढ़िए, अगर कुछ समझ नहीं आता है आप मुझे पूछिए, मैं आपका डाउट वापस क्लियर करूंगा। ओके, चलिए। नाउ अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस इज
WHO ने 2020 का जो साल है उसको डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब है जो डिलीवरी में, ओके, वुमेन की डिलीवरी में जो हेल्प करती है, उसका हॉस्पिटल स्टाफ को बोलो गया मिडवाइफ, हु हेल्प्स इन डिलीवरी। ओके, सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ इन ऑनर ऑफ द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को क्योर किया था उनकी उन्होंने और उनकी टीम ने। सो उन्हीं की याद में 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ कहा गया है। ओके, द डिक्लेरेशन ऑफ ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ विल हेल्प टू स्ट्रेंथन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और देखिए, आफ्टर COVID-19 तो ये काफ़ी अपने को जस्टिफाई होता हुआ दिखता है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ ने अपनी जान को हथेली पर रखकर COVID-19 को लड़ने में हमारी मदद की है, तो ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है। स्ट्रेंथनिंग नर्सिंग विल हेल्प टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, आपको लगता होगा कि नर्सेस का क्या काम है, बट आप सोच लो कि अगर एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज और नर्सेस अगर नहीं होंगे तो क्या डॉक्टर पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से असिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जनरली डॉक्टर आपको 10% असिस्ट करते हैं, बाकी का 90% जो आपका काम है वो कौन संभाल रहा है? नर्स एंड मिडवाइफ संभालते हैं। ओके, चलिए, तो मेन जो तीसरा जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ओके, दैट इज एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ओके, तो ये इसको भी एंश्योर करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या है? प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी, तो नर्सेज एंड मिडवाइफ इसको भी प्रमोट करते हैं। और आठवां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसको भी वो लोग प्रमोट करते हैं। इसीलिए 2020 के साल को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर डिक्लेयर किया गया है बाई WHO। द डिक्लेरेशन विल ऑल्सो हेल्प टू एंडोर्स द नर्सिंग नाउ अ 3 ईयर कैंपेन टू इम्प्रूव हेल्थ ग्लोबली बाई रेजिंग द स्टेटस ऑफ नर्सिंग। ओके, आज भी देखिए नर्सिंग को एज अ करियर नहीं देखा जाता। ओके, तो अगर द नर्सिंग नाउ कैंपेन चलाया जा रहा है फ्रॉम द WHO ताकि नर्सिंग का स्टेटस भी धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे बढ़े। मोर ओवर WHO इज ऑल्सो लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट विच विल बी लॉन्च्ड इन 2020। तो एट द एंड ऑफ 2020 हमको ये रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी वॉज द ब्रिटिश नर्स स्टेटिस्टिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर हु हेल्प्ड, हु वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली ऑन May 12, 1820। 1820 में उनका जन्म हुआ था। और जो 2020 का जो साल है वो उनका बाई सेंचुरी ईयर है। ओके, चलिए, ड्यूरिंग द क्रेमन वॉर शी एंड अ टीम ऑफ नर्सेस इम्प्रूव्ड दी अनसेनिटरी कंडीशंस एट ब्रिटिश बेस हॉस्पिटल्स ग्रेटली रिड्यूसिंग दी डेथ काउंट। और उसी की याद में 2020 को रिकग्नाइज किया गया है। शी वॉज नोन फॉर हर नाइट राउंड टू एड दी वोंडेड एस्टैब्लिशिंग हर इमेजेस एज दी लेडी विद दी लैम्प। तो उनको ये खिताब दिया गया था लेडी विद दी लैम्प के तौर पर, वो लोकल पब्लिक में जानी जाती थी। ओके, चलिए, दिस वॉज क्वाइट एन ईजी टॉपिक। WHO क्या है? ऑलरेडी बार बार हम इसको देख चुके हैं, दिस इज फॉर योर रिविजन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ वॉज फाउंडेड इन 1948। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसको फॉर्म कब किया गया था? 1948। और ये जनरली ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल वैक्सीनेशन, ग्लोबल वेलबींग के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको ये मॉनिटर करेगा और उसके लिए प्रोग्राम्स बनाएगा। ओके, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड। टोटल उसके जो मेंबर्स है वो है 194। 150 कंट्री ऑफिसेस है इन टोटल, सिक्स रीजन विथ सिक्स रीजनल ऑफिसेस। ओके, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलोबोरेशन विथ इट्स मेंबर स्टेट यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। ओके, तो अगर कोई कंट्री में या स्टेट में देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ WHO आपको काम करता हुआ दिखेगा ऑन ग्राउंड। WHO प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स,
और सारी चीज़ें हेल्थ के रिलेटेड जो भी है उसको वो मॉनिटर करेगा, उसके लिए प्रोग्राम बनाएगा और रिसर्च के लिए वो फंड देगा। ओके, फंक्शन करना उसने कब स्टार्ट किया था? 7 अप्रैल 1948, और इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। ओके, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन विथ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, एनजीओज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। ओके, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट्स अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज। तो साउथ एशिया है, अफ्रीकन रीजियंस जो है वहाँ पे WHO काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। COVID-19 के टाइम पे WHO पे काफ़ी सारा सवाल उठाए गए कि WHO ने COVID-19 को आते हुए नहीं देखा था, और उसी की वजह से एक सही तरीके का रोड मैप COVID-19 के लिए WHO प्रोवाइड नहीं करवाया। और इसी वजह से USA ने अपना जो पूरा फंडिंग था, सबसे ज़्यादा USA फंड करता था WHO को, पूरा फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, रोक दिया है, जस्ट बिकॉज कि WHO की भूमिका, WHO की जो उनको लगा कि भाई WHO चाइना की तरफ इंक्लाइन होता हुआ दिख रहा था उनको, इसीलिए उन्होंने पूरा फंडिंग WHO का जो है वो रोक दिया था। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, पटोला सारीज फ्रॉम गुजरात। तो KVIC, नाउ व्हाट इज KVIC? खादी एंड विलेज कमीशन, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज इनोग्रेटेड अ फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट सुरेंद्र नगर इन गुजरात। ओके, द प्लांट वुड हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क यार्न। ओके, अब तक क्या होता था, जनरली हैंडमेड पटोला बनाए जाते थे, और काफ़ी कम फैमिलीज हैं जो ये पटोला बनाने की विधि से वाकिफ है। तो अब उनको क्या कर दिया गया, ऑटोमेट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है होती है सिल्क यार्न की, उसको घटाने में, उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, सेल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर गुजराती पटोला सारीज लोकली। तो वहीं से लोकल ही उनको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ताकि अब तक ये शिकायत रहती थी कि भाई रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, जो शिकायत अब वहाँ से दूर हो जाएगी। करंटली द रॉ मटेरियल सिल्क यार्न इज परचेज्ड फ्रॉम कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। देखिए, तो गुजरात में बनता था, बट उसका जो रॉ मटेरियल था वो आता था कर्नाटका या तो वेस्ट बंगाल से, तो उसी की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब अगर मैं अपने घर में ही किसी चीज़ को प्रोडक्ट करके उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो बाई डिफॉल्ट ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, चलिए, तो अब वो सारे जो सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ लगा दिए गए हैं, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वो लगा दिए गए हैं। ओके, खादी विलेज कमीशन क्या है? सो KVIC इज अ स्टेचुटरी बॉडी। ओके, ना स्टेचुटरी बॉडी का मतलब है उसको बाद में किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ओके, चलिए, सो स्टेचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। द KVIC इज चार्ज्ड विथ द प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी। और ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसका जो स्टेटस है KVIC का, और जो वर्किंग है वो काफ़ी फुल फ्लेज में चल रहा है। एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज एंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट वेर एवर नेसेसरी। ओके, सो नॉट जस्ट ओनली खादी, बट और भी जो लोकल छोटे छोटे बिजनेस है, जो लोकल विलेज लेवल पे आप चला सकते हो, ओके, उसको भी प्रमोट करने का, सेटअप करने का, ट्रेनिंग का काम कौन करेगा? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन करेगा। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, सो ये काम करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बट ये टेक्सटाइल के साथ भी काम कर सकता है, और ऐसी जो मिनिस्ट्रीज है, ओके, जो छोटे बिजनेस प्रोवाइड करवा सकती है, उनके साथ मिलके ये काम करेगा। ओके, कभी कभी ये फूड मिनिस्ट्रीज के साथ भी KVIC काम करता है। ओके, और ये जो बाजू में आपको दिख रहा है, दैट इज द लोगो ऑफ KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? तो आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि PNC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है,
उनके काफी सारे बड़े बड़े घोटाले सामने आए। ओके, उनकी जो लोन देने की जो प्रोसेस थी उसमें काफी सारी गड़बड़ी आरबीआई के सामने आई। अब ऐसी गड़बड़ी जब सामने आएगी तो पैसा किसका डूबेगा? जो कॉमन पब्लिक, जिसने अपने 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए उस बैंक में जमा करवाए इस भरोसे पर कि भाई ये बैंक को कुछ नहीं होने वाला, इस बैंक में मेरे पैसे सलामत है। अब बैंक क्या करती है, ज्यादा इंटरेस्ट की लालच में या ज्यादा ग्रोथ की लालच में उसके पास जो पैसा है वो किसी फ्रॉड बंदे को लोन के तौर पर दे देती है। वो बंदा रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे काफी सारे एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। तो अब आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि भाई जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के लोग या विलेज के लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क लगाया जाएगा। अगर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर दिए तो उसका कंट्रोल आरबीआई सीधा अपने हाथ में ले लेगा। ओके, चलिए। द मूव कर्व कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द एलिजेड इररेगुलरिटीज इन द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कॉजिंग डिस्ट्रेस टू ओवर 9 लाख डिपॉजिटर्स। देखिए, 9 लाख लोगों के पैसों पर मुश्किल आ गई कि अब मेरे पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, और इसी वजह से एसएएफ लाया गया है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया है। कुछ कुछ जो नॉर्म्स थे उसके उसको स्ट्रेंथन किया गया है और हार्ड बनाया गया है। ओके, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के सिमिलर है ये जो आपका एसएएफ है वो। ओके, चलिए। अब फर्क क्या है, एसएएफ जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए होगा, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में दिक्कत क्या है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक जगह, एक साइड है आईसीआईसीआई बैंक, वो हो गई आपकी कमर्शियल बैंक। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करती है और आपका जो पैसा है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में, नेशनल मार्केट में रोका जाता है, वो मुनाफे के लिए काम करती है। जबकि सूरत पीपल्स या और कालूपुर बैंक जो है वो रीजनल लेवल पे, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम करती है, ताकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के या डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपना पैसा जमा करवाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ओके, वो मुनाफे के लिए काम नहीं करती, वो एज एन मान लीजिए कि एनजीओ जैसा काम करती है। तो ये मेजर फर्क है कमर्शियल बैंक में और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। ओके, चलिए। रिवाइज एसएफ क्या होंगे? सो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर बैंक्स के बढ़ जाएंगे 6% से ज़्यादा, तो आरबीआई उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? बैंक ने किसी को लोन दिया और अगर वो लोन का जो इंटरेस्ट है और जो मेन अमाउंट है वो अगर हर महीने वापस नहीं आ रहा है, ओके, तो उसका क्या मतलब है कि वो जो बंदा है वो पैसा चुकाना नहीं चाहता। अब वो पैसा लेने की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की है। अगर वो बैंक वो पैसा वापस नहीं लाता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा, और अगर वो 6% से इंक्रीज हो जाता है तो आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा। ओके, सेकेंड जो आपका पॉइंट जो जिसको रिवाइज किया गया है, व्हेन लॉसेस आर इनकर्ड फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर और लॉसेस हैव अक्यूमुलेटेड ऑन दी बैलेंस शीट्स। ओके, तो अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए अगर बैंक लॉस दर्ज करवा दिए तो भी आरबीआई क्या आरबीआई को लगेगा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, थोड़े टाइम के लिए वो जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथ में ले लेगा, या तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से बिलो चला जाएगा। ओके, तब आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा। ओके, आरबीआई कैन ऑल्सो टेक एक्शन इफ देर आर सीरियस गवर्नेंस इश्यूज। अगर आरबीआई को लगता है कि भाई बैंक का जो प्रोसेस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, वो मैनेजमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो भी आरबीआई पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, सुधार के वापस किसी नए बंदे को अपॉइंट करके पूरा गवर्नेंस उनको दिया जाएगा। ओके, चलिए। पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगे, तो वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं। द आरबीआई कैन द बोर्ड ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मे बी आस्क्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस अंडर एक्शन प्लान ऑन क्वार्टरली और मंथली बेसिस। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से उनको हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ेगा। ओके, और क्या होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स मे बी आस्क्ड टू सबमिट बोर्ड अप्रूव्ड एक्शन प्लान टू करेक्ट द सिचुएशन, टू रिड्यूस
रिड्यूसिंग नेट एनपीएस बिलो 6%। तो कैसे वो लोन रिकवरी करेंगे उसका उनको एक अप्रूव्ड प्लान आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ेगा। और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन और पेमेंट और डिविडेंड और डोनेशन, तो उस पर भी आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। ओके, और क्या करेगा आरबीआई, और किसी बैंक के साथ उसको मर्ज कर देगा, किसी बड़े बैंक के साथ उसको मर्ज कर देगा, या तो कन्वर्टिंग इट सेल्फ इन टू अ क्रेडिट सोसाइटी इफ सी आर फॉल्स बिलो 9%। तो मर्जर से क्या फ़ायदा होगा कि उसका जो टोटल ये जो एन पी ए का जो रेशियो है या सी आर का जो रेशियो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन आर बी आई लगाना स्टार्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब ये जो है कमर्शियल बैंक, अ कमर्शियल बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिविंग लोन्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखा, मैंने बताया ना था ना आपको कि वो मुनाफे के लिए काम करेगा। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएमसी, एसबीआई, ये सारे जो बैंक है दोज आर कमर्शियल बैंक्स। ओके, द आरबीआई हैज स्पेसिफाइड सर्टेन रेगुलेटरी ट्रिगर पॉइंट्स फॉर इनिशिएशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्ड एंड डिस्क्रेशनरी एक्शंस विथ रिस्पेक्ट ऑफ बैंक्स हिटिंग सच ट्रिगर पॉइंट्स। ओके, जो कि क्या है ऐसे ट्रिगर पॉइंट, सी ए आर को आरबीआई मॉनिटर करेगा अलग अलग बैंक्स के लिए, पर्टिकुलर बैंक्स के लिए, एनपीए को मॉनिटर करेगा और रिटर्न ऑफ असेट को भी मॉनिटर करेगा। ओके, द पी सी ए फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल बैंक, और ये जो एस ए एफ है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बनाया गया है। ओके, चलिए, और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स वर बॉर्न आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वेयर मेंबर फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप टुगेदर टू एक्सटेंड लोन्स टू ईच अदर एट फेवरेबल टर्म्स। किसी एक के पास, मान लीजिए कोई एक समाज के कोई बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे 10-15 लोगों ने इकट्ठा होकर एक बैंक फॉर्म कर दी। क्यों? ताकि अपने समाज के लोगों को वो एट अ नॉमिनल प्राइसेस लोन प्रोवाइड कर सके। ओके, तो इस तरीके से जो एजेंसी बनी दैट इज़ योर कोऑपरेटिव बैंक। वो हर वो देखिए विलेज में भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती है, या स्टेट लेवल पे भी हो सकती है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स बेस्ड ऑन देयर रीजन ऑफ ऑपरेशन। ओके, जनरली ये डिस्ट्रिक्ट के बाहर, आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिस्ट्रिक्ट के बाहर ही आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट कुछ कुछ ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी आपको काम करती हुई दिखेगी। ओके, डिफरेंस बिटवीन यूसीबीज एंड कमर्शियल बैंक्स, तो देखिए मर्चेंट बैंकिंग सर्विस कमर्शियल बैंक आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाएगा, कोऑपरेटिव बैंक नहीं प्रोवाइड करवाएगा। कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है आपको डेबिट कार्ड भी नहीं देता और क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता। ओके, चलिए, म्यूचुअल फंड डू ऑपरेट इन म्यूचुअल फंड्स। कमर्शियल आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा रोकेगी, जबकि जो लोकल बैंक होगी, जो रीजनल बैंक होगी, वो वहाँ पे आपका पैसा नहीं रोकेगी। ओके, ऑपरेशन के बेसिस क्या होंगे? ऑपरेट्स ऑन द कमर्शियल प्रिंसिपल्स, दे ऑपरेट टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, कमर्शियल बैंक द बेसिस ऑफ ऑपरेशन इज ऑन कोऑपरेटिव लाइन्स। जैसे कोऑपरेटिव एजेंसी चलती है वैसे ये बैंक्स भी चलेगी। आई विस सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी, वो मुनाफा कमाने के लिए काम नहीं करेगी कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड अ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव बैंक्स, अ लिटल हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो है हमारे लिए ऑपरेशन संकल्प। ओके, इंडियन नेवी कंटिन्यूज टू डिप्लॉय वन वॉरशिप इन फॉर ऑपरेशन संकल्प इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल्स ट्रांजिटिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एमिस्ट डिटेरियोरेटिंग यूएस ईरान रिलेशन। तो 2020 के स्टार्टिंग में यूएस और ईरान के बीच में काफ़ी सारे टेंशन वाली सिचुएशन बन गई थी। अब इंडिया का जो पूरा ऑयल है,
ओके, वो कहाँ से आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, ओके, तो वो है ओमान के बीच में और ईरान के बीच में। वो पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान को जोड़ता एक पतला सा पट्टा है। ओके, ये जो आपका विड्थ है वो ऑलमोस्ट लगभग 39 किलोमीटर का है, और दुनिया का 70% जितना जो ऑयल ट्रेड है वो कहाँ से होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। ओके, पूरा जो ईस्टर्न रीजन है वो यहाँ से अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ईरान इसको बंद कर देगा, ओके, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए अपने जो वेसल्स है, अपने जो जहाज है, ओके, जो यहाँ से ऑयल लेके आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेट्रोलिंग के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है। एक जहाज यहाँ पे रखा जाएगा ताकि वो बाकी के जहाज को, बाकी के वेसल्स को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, देर आर वेरी अनलाइकली चांस, काफ़ी कम चांसेस है कि ईरान इंडियन वेसल्स को किडनैप करेगा या उसको आगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ईरान और इंडिया के जो कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशन है वो काफ़ी पुराने हैं, और पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। ओके, सो इसी वजह से इंडिया को टेंशन नहीं था। फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है ताकि अपने और कोई जहाज को ईरान से, ओके, ईरान की अथॉरिटी से बचाया जा सके, उनको सेफ इंडियन टेरिटरी में लाया जा सके। ओके, इंडियन नेवी वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट आर डिप्लॉयड टू एस्टैब्लिश प्रेजेंस, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ रीश्योरेंस टू द इंडियन मर्चेंटमैन, मॉनिटर द ऑनगोइंग सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू एनी इमरजेंट क्राइसिस लाइक डिटेरियोरेटिंग यूएस ईरान रिलेशन इन द रिसेंट टाइम्स। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रूड ऑयल के जहाज यहाँ से आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल आ रहा है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जहाज भी तो यहाँ से आ रहे होंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पेट्रोलिंग के तौर पर इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है ताकि लोगों को अश्योरेंस मिल जाए कि भाई हमारे जो सामान जो आ रहा है या जा रहा है वो क्या है, सुरक्षित है। ओके, चलिए, बीच में ऐसी भी सिचुएशन थी कि जो ब्रिटिश का जहाज था, ओके, उसको ईरान ने जब्त कर लिया था, ओके, और काफ़ी मीडिएटिंग के बाद उसको छोड़ा गया था। ओके, और ये यूएस ईरान के बीच क्यों टेंशन है वो हम ईरान डील में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने ईरान डील वाला वीडियो नहीं देखा है, जस्ट गो टू दैट ईरान डील वीडियो, काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, चलिए, 2019 से, एक्चुअली 2018 के एंड से ही ये सिचुएशन काफ़ी बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी यूएसए और ईरान के बीच में, और इसकी वजह से इंडिया को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इंडिया के दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट इंडिया इज़ मोर फेवरेबल टू यूएसए। इसीलिए यूएसए ने सारे कंट्रीज़ को ये धमकी दे दी थी कि भाई जिसका यूएसए के साथ रिलेशन रखना है, जिस कंट्री को, उसको ईरान के साथ अपना रिलेशन टोटली क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। अब इंडिया यहाँ पे डिलेमा वाली सिचुएशन में आ गया था कि भाई हम ईरान से भी तो क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्या करेंगे, और इसकी वजह से कुछ महीनों के लिए हमने ईरान के साथ अपना जो ऑयल ट्रेड है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया था, वापस उसको रिज्यूम कर दिया गया। ओके, चलिए, 2019 में क्या हुआ था? द प्रेशर वॉज स्टेप्ड अप इन मे बाई एप्लीकेशन ऑफ अ सेकेंडरी सेंक्शन ऑन कंट्रीज दैट कंटिन्यूड टू डू बिजनेस विद ईरान। तो मई 2019 तक यूएसए ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई आपको मई 1, 2019 तक आपका पूरा जो ट्रेड है ईरान के साथ उसको बंद कर देना है। इससे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए? रिलेशंस फर्दर डिटोरिएटेड व्हेन ऑयल टैंकर्स वर सेबोटाज्ड इन गल्फ ऑफ ओमान। सेबोटाज का मतलब है उसको, उसकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगी धीरे धीरे। ओके, लेटर तेहरान स्टार्टेड सस्पेंडिंग सम ऑफ द कमिटमेंट्स अंडर द न्यूक्लियर डील, और धीरे धीरे ईरान ने भी न्यूक्लियर डील को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और जनवरी 2020 आते वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई। और ये तो अच्छा हुआ कि कोविड-19 बीच में आ गया, अदरवाइज यूएसए ऑलमोस्ट प्लान बना चुका था ईरान पे वॉर करने का। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है। ओके, चलिए, जो उससे भी वर्स कंडीशन में हम यूएसए पहुंच गया है,
ओके, अगर वॉर करता तो मे बी शायद जीत सकता था, बट यूएसए इज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोविड-19. चलिए, ऑन 3rd of January कासिम सुलेमानी वॉज किल्ड इन अ यूएस ड्रोन स्ट्राइक एट बगदाद एयरपोर्ट. इराक में उसको मारा गया. ओके, ईरान का जनरल था, बट वो इराक में बैठ के वॉर की प्रिपरेशन कर रहा था, वॉर के प्लान्स बना रहा था, उसको एयर स्ट्राइक करके मार दिया गया. और उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया. ओके, और वो पूरा जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम था जिसके ऊपर पूरी ईरान डील बनी हुई थी, ओके, इन 2015, वो पूरी हमको यहाँ पे नजर आ रही है टूटती हुई. ओके, बेसिक अगर मैं आइडिया दे दूँ आपको, तो ईरान डील में P5+1 कंट्रीज ईरान और यूरोपियन यूनियन जुड़े हुए थे. ओके, और इसी की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो इलाका है वो काफी सारा लाइमलाइट में आता हुआ हमें दिखा. ओके, चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज क्यूरेटिव पिटिशन. ओके, और ये न्यूज में क्यों था, निर्भया केस के जो कन्विक्ट थे, ओके, उन्होंने बार बार कोर्ट में अलग अलग तरीके से जो डेथ पेनल्टी थी उसको डिले करना चाहा. ओके, तो पहले रिव्यू पिटीशन डाली गई, रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई, उसके बाद मर्सी पिटीशन भेजी गई प्रेसिडेंट को, जो भी रिजेक्ट हो गई. अब मर्सी पिटीशन के बाद भी और एक ऑप्शन उनके पास बचता है, जो है क्यूरेटिव पिटीशन. ओके, क्या है ये क्यूरेटिव पिटीशन? तो क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा. ओके, और वो केस कौन सा था, ये सारे अंडरलाइंड वर्ड आपको अपने नोट में ध्यान से लिख लेने हैं. वो केस था अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. ओके, सो अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में क्यूरेटिव पिटीशन का एक डेफिनेशन, एक आइडिया हमारे सामने पहली बार आया. और उस टाइम पे जजमेंट देते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टू अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ओके, एंड टू प्रिवेंट दी अब्यूज ऑफ प्रोसेस, क्यूरेटिव पिटीशन का प्रावधान रखा जाना चाहिए, प्रोविजन रखा जाना चाहिए. ओके, और 2002 में क्या हुआ था, ऑन द क्वेश्चन वेदर एन एग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इवन आफ्टर द डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटीशन. तो रिव्यू पिटीशन भी, अगर देखिए जनरली क्या होता है, रिव्यू पिटीशन मान लीजिए कि कोई केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, आपके पास एक स्टेप है कि आप उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दर्ज करवा सकते हो. रिव्यू पिटीशन भी अगर मान लीजिए कि कैंसल या रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद भी और एक स्टेप होना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन का, ताकि जो डिफेंडेंट है, ओके, या तो जो अक्यूज्ड है उसको कोई भी गिला शिकवा ना रहे कि भाई मुझे हर तरीके से ट्राई मिला है, मैंने हर तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ट्राई किया है, जस्टिस सिस्टम ने मुझे हर तरीके से सुना है. ओके, ताकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस उसको अवॉइड किया जा सके. ओके, जो न्याय का जो गर्भपात है उसको अवॉइड किया जा सके, उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के आइडिया को जन्म दिया था. ओके, और एक है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस. ओके, हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन भी इसीलिए रिजेक्ट कर दी गई हो क्योंकि मीडिया ऑलरेडी उसको दोषी मान चुका हो या जजेस बायस्ड हो. तो ऐसे सिचुएशन में क्यूरेटिव पिटीशन का आपको प्रोविजन मिलेगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन इज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक आपको अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यूरेटिव पिटीशन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है. ओके, आपको कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यूरेटिव पिटीशन का वर्ड नहीं मिलेगा. फिर क्यों आर्टिकल 137 की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं ऑन द मैटर्स ऑफ लॉज एंड रूल्स. ओके, अंडर द आर्टिकल 137 इट प्रोवाइड्स दैट इन द मैटर ऑफ लॉज एंड रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड. ओके, तो बाय इट
खुद के ही जजमेंट को वापस वो रिव्यू कर पाएंगे. सच अ पिटिशन नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फॉर द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर. रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करनी होगी. ओके, तो अगर 30 दिन का जो पीरियड है वो अगर आप चूक गए तो उसके बाद आप क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल नहीं कर सकते. और ये क्यूरेटिव पिटिशन कोर्ट को एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. ओके, उसके ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगा सकते. प्रोसीजर क्या है? अ क्यूरेटिव पिटिशन मे बी फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड. तो एक बार आपकी रिव्यू पिटिशन अगर डिसमिस हो जाती है तो रिव्यू पिटिशन के रिजेक्ट होने से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्यूरेटिव पिटिशन दर्ज करवा सकते हो. इट कैन बी एंटरटेन्ड इन दी पिटिशनर एस्टैब्लिशेस दैट देर वॉज अ वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड दैट ही वॉज नॉट हर्ड बाई दी कोर्ट ही और शी ओके बाई दी कोर्ट बिफोर पासिंग एन ऑर्डर. ओके, जैसे देखिए इंडियन मीडिया में क्या होता है कि मीडिया ऑलरेडी किसी बंदे को कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही दोषी करार कर देता है. अब जो जजेस की बेंच जो है वो भी तो इंसान है, वो भी तो घर जाके न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उनके दिमाग में भी एक प्रकार का वन टाइम ऑफ बायसनेस क्रिएट होती जाएगी कि हाँ इसने तो ये किया ही होगा. और जब ये किया ही होगा वाला जो सिनारियो के साथ अगर जज अपना वर्डिक्ट देता है तो वो एक्चुअल जो नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस है उसको बाईपास कर जाने का डर हमेशा बना रहता है. ओके, जो कि नहीं होना चाहिए. ओके, जज को न्यूट्रल रह के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको फॉलो करना है, ना कि मीडिया ट्रायल को फॉलो करना है. तो बस इसी बेनिफिट ऑफ डाउट को आधार बनाकर क्यूरेटिव पिटिशन कोई भी पार्टी फाइल कर सकती है. इट मस्ट बी अ रेयर देन रेगुलर, बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्यूरेटिव पिटिशन एक्सेप्ट होगी. वरना हर कोई अगर क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने लगा तो उसका कोई एक्सक्लूसिवनेस, कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ओके, अ क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट सर्क्यूलेटेड टू अ बेंच ऑफ अ 3 सीनियर मोस्ट जजेस एंड द जजेस हु पास्ड द कंसर्न जजमेंट इफ अवेलेबल. ओनली वेन अ मेजोरिटी ऑफ द जजेस कंक्लूड दैट द मैटर नीड्स अ हियरिंग शुड इट बी लिस्टेड बिफोर द सेम बेंच. तो अगर वो बेंच को लगेगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं बायसनेस के बेसिस पे ये वर्डिक्ट दिया था और ये मेथड में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चूक गए हैं, कुछ ना कुछ मिस हो गया है, तो ही जाके उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और वापस से क्यूरेटिव पिटीशन पे हियरिंग स्टार्ट होगी. द बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन कैन आस्क अ सीरियल काउंसिल टू असिस्ट एज एमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. तो कोई भी सीनियर काउंसिल को गाइडेंस के लिए एमिकस क्यूरी के तौर पर बुलाया जाएगा. ओके, ये सिनेरियो आपने ऑलरेडी अपने पॉलिटी में पढ़ा है. द क्यूरेटिव पिटिशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन द चेंबर अनलेस अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्ट हियरिंग इज अलाउड. ओके, तो जनरली चेंबर में ही इसको सुन लिया जाएगा और डिसाइड कर लिया जाएगा कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. रिजेक्शन के ग्राउंड क्या होंगे? इन एन इवेंट ऑफ बेंच होल्डिंग एनी स्टेज दैट द पिटिशन इज विदाउट मेरिट. ओके, अगर बेंच को लगता है कि भाई इसमें कोई दम नहीं है, ये सिर्फ डिले करने के लिए पिटिशन लाया गया है, जैसा कि निर्भया केस में हो रहा था, तभी उसको क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और ना कि सिर्फ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ कुछ केसेस में पेनल्टी भी लगा दी जाएगी पिटिशनर पे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो कीमती वक्त है उसको बर्बाद किया. ओके, चलिए, तो ये थी आपकी क्यूरेटिव पिटिशन. सुप्रीम कोर्ट में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 137 उसको सपोर्ट करता है. क्यों सपोर्ट करता है? आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की आज़ादी दी गई है. तो देखिए, आप इन लेमेन्स टर्म ये बोल इन लेमेन लैंग्वेज ये बोल सकते हो कि क्यूरेटिव पिटिशन इज अ छोटा भाई है वो रिव्यू पिटिशन का, बट उसका जो महत्व है वो रिव्यू पिटिशन से भी ज़्यादा है. रिव्यू पिटिशन आप हर फैसले के बाद कर सकते हो, बट क्यूरेटिव पिटिशन आप हर फैसले के बाद नहीं कर सकते. वो रेयर ऑफ द रेयर ओकेजन होगा, और वो रेयर ऑफ द रेयर ओकेजन डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की बेंच डिसाइड करेगी. ओके, चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मियावाकी मेथड. अब ये मियावाकी मेथड जो है वो क्या है? दैट इज अ जापानीज मेथड फॉर अर्बन फॉरेस्टेशन.
शहरों में पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, जो अर्बन एरियाज हैं उसके आसपास के एरियाज में जंगल कम होते जा रहे हैं, तो मियावाकी मेथड की मदद से आप अर्बन एरियाज में भी इजीली पेड़ पौधे उगा सकते हो। ओके, और केरला ने रिसेंटली उसको एक्सेप्ट किया है। केरला हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ जापानीज मियावाकी मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन। अर्लियर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड सम अदर स्टेट अडॉप्टेड दिस मेथड। द रेप्लीकेशन ऑफ द मेथड अक्रॉस केरला विच हैज सफर्ड फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन अज्यूमिंग सिग्निफिकेंस विथ रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव ऑन। तो मियावाकी मेथड की वजह से वो वापस रीबिल्ड केरला जो इनिशिएटिव है उसके अंडर में मियावाकी मेथड को एक्सेप्ट किया गया है। द मियावाकी मेथड हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन बाय टर्निंग बैकयार्ड्स इनटू मिनी फॉरेस्ट। देखिए, आप जब शहरों में घूमोगे तो काफ़ी सारी ऐसी जगह आपको मिलेगी जो विदाउट एनी यूज़ पड़ी हुई है बेकार में। वहाँ पे अगर पेड़ पौधे उगा दिए जाए तो वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, इट हैज़ हेल्प्ड क्रिएट मोर देन 3,000 फॉरेस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इंडिया में ये ऑलरेडी सॉरी पूरी दुनिया में ये ऑलरेडी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने लगा है। इट क्रिएट्स अ डेंस फॉरेस्ट इन जस्ट 20 to 30 ईयर्स, वाइल थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स इट टेक्स एनी वेयर बिटवीन 200 to 300 ईयर्स। ओके, अगर आप नेचर में जब छोड़ दोगे तो नेचुरल प्रोसेस से 200 to 300 साल आपको लगेंगे, जबकि अगर मियावाकी मेथड आप यूज़ कर दो तो फॉरेस्टेशन के लिए 200 से 20 से 30 साल में वो फॉरेस्ट रेडी हो जाएगा। देखिए, 1/10 टाइम में ही डेंस फॉरेस्ट आपको रेडी होता हुआ दिखेगा। ऑल्सो इट इज़ अ 10 टाइम फास्टर एंड 30 टाइम डेंसर। ओके, तो उसकी जो घनता होगी, वो डेंसिटी जो होगी, मतलब कितने नज़दीक नज़दीक और कितने गीच जगह पे पेड़ उगेंगे, तो वो 30 टाइम्स डेंसिटी उसको मिलेगी। ओके, द सेपलिंग बिकम सेल्फ सस्टेनेबल आफ्टर द फर्स्ट 3 ईयर। सेपलिंग का मतलब है जो छोटे छोटे पौधे हैं वह 3 साल के बाद सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे, फिर उसको कोई केयर की, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर मियावाकी मेथड। उसको आप देखिए, पहले ऐसे छोटे छोटे सेपलिंग उगाए जाएंगे। ओके, उसको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद ऐसे पेड़ उगाए जाएंगे, एक पेड़ के बाद वो वहाँ पे पौधे बन जाएंगे और पौधों के बाद धीरे धीरे ऐसे पेड़ बनते जाएंगे। ओके, तो ये जो सैपलिंग्स हैं वो नर्सरी में उगाए जाएंगे, उसके बाद उसको मूव कर दिया जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे फॉरेस्टेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप दिस इज़ द मियावाकी मेथड। और तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे जो सदर्न स्टेट है वो ऑलरेडी इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ओके, चलिए, और इसका जो आइडिया है वो आया है जापान से। सो दिस इज द जापानीज मेथड, और वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है। ओके, चलिए, तो ये है आपका होमवर्क का पहला सवाल। इट इज़ वन ऑफ दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इट इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट टू, इट हैज़ द ओरिजिन इन टेम्पल्स। स्टेटमेंट थ्री, चौक पोस्चर्स इज अ मेजर फीचर्स ऑफ इट। पोएट कबीर चंद्र, कालीचंद्रन, पटनायक इज रिलेटेड टू दिस डांस फॉर्म, और उस डांस फॉर्म का नाम आपको ढूंढ के मुझे बताना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू रिलेटेड टू एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, चार एजेंसीज का नाम आपको दिया हुआ है, या तो किन्होंने उसकी एस्टैब्लिश किया था। ओके, किसने उसकी स्थापना की थी, उसका नाम, उसका करेक्ट मैच कौन सा है, वो आपको मुझे बताना है। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर। ओके, अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन लिस्ट आउट योर डाउट्स इन दी वीडियो कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।